Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. Zid se jeet tak. Hi, everyone. बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है उसको आपके सामने लाने का एक ही मकसद है कि ये पर्टिकुलर जो नाम है ना ये आप और चीजों से कंफ्यूज कर सकते हो और जहां पे किसी और चीज से नाम कंफ्यूज करने की पॉसिबिलिटी है संभावना है वहां पे यूपीएससी के सवाल डालने की भी संभावना ज्यादा होती है प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यूपीएससी ऐसे टॉपिक से सवाल डाले राइट एंड यूपीएससी ना भी सही लेकिन अगर आपके स्टेट एग्जाम्स है ना जो जैसे पीसीएस पंजाब का पीसीएस हो गया हरियाणा का हो गया हिमाचल का हो गया उत्तराखंड का हो गया राजस्थान का हो गया राइट यूपी का हो गया ये सारी स्टेट जो है ना वो भी इस टाइप के सवालों को जो है वो खासकर नोटिस करती है और खासकर इन सवालों को डाला जाता है प्लस इसकी जो टाइमिंग है इस करंट अफेयर के आने की वो भी आपका मार्च एंड और अप्रैल स्टार्टिंग के आसपास का करंट अफेयर है यही टाइम है जब आपके मैक्सिमम जो एग्जाम पेपर्स हैं वो सेट होते हैं राइट जो भी आपके भी जैसे आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं अगले 2-3 महीने में ये टाइम के करंट अफेयर जो हैं उनकी तादाद ना थोड़ी हल्की सी ज्यादा होती है इस समय अगर कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आ जाता है तो ऐसा मुमकिन है कि वो एग्जामिनर की नजर में पहले चढ़े है ना वो जल्दी से नजर के सामने आ जाए राइट तो इस टाइप के टॉपिक को प्लस इसकी टाइमिंग को प्लस इसका नाम ये सारी चीजें ना इस टॉपिक को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना देता है होता ये कि हम ना स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इतना नहीं सोच पाते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो हमें सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट लगती हैं राइट लेकिन जब हमारे लेवल पे आ जाता है कोई प्रिपरेशन के राइट उसके बाद में हमें थोड़ा सा और बेटर क्लियर दिखाई देते हैं कि यार ये एग्जाम में डलेगा ये एग्जाम में नहीं डलेगा राइट किसके चांसेस ज्यादा है ना इसीलिए जो हमारा ये कोर्स है करंट अफेयर्स का इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके इधर उधर एग्जाम्स में आ जाते हैं क्योंकि ये सारे फिल्टर्स ऑलरेडी उसके ऊपर लगे होते हैं जब हम कंटेंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं राइट आइए बच्चे आज का टॉपिक हम देखते हैं This is COVINET. तो ये कोई कोविड की वैक्सीन नहीं है ये कोई कोविड का कोई नया टेस्ट नहीं है है ना कोई एप्लीकेशन नहीं है मोबाइल एप्लीकेशन ऐसा कुछ नहीं है COVINET क्या चीज है इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लोबल लेबोरेटरीज टू आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर पोटेंशियली नोवेल कोरोना वायरस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस लॉन्च बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन राइट तो एक तो सवाल आपका यहीं से पूरा होगा मान लो अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो और थोड़ा ग्रुप बी का लेवल का एग्जाम है तो वो कोविनेट की फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे है ना कुछ अलग अलग चीजें बना देंगे या वो पूछ लेंगे कोविनेट जो कि एक नेटवर्क है ग्लोबल लेबोरेटरीज का ये किसने लॉन्च किया है राइट या फिर वो कोविनेट पूछ लेंगे और ग्लोबल वर्ड हटा देंगे वहां पे लेबोरेटरीज कुछ भी हटा देंगे और पूछेंगे कोविनेट किसने लॉन्च किया है तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आ सकता है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ सकता है इंडिया मतलब इंडिया के परस्पेक्टिव में आप सोच सकते हो WHO तक आपका हो सकता है ध्यान ना जाए इसलिए हम इसको डायरेक्टली सामने सामने से ही पढ़ रहे हैं क्या करेगा इट एम्स टू फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेट ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड कैपेसिटीज फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन हमारा जो पिछली बार जो कोविड पहली बार आया था इसको डिजीज एक्स का नाम दिया गया था है ना तो वो जो आपके स्टार्टिंग में आया था उसकी प्रॉब्लम ही यही थी कि हमारे पास में ना एक्यूरेट डिटेक्शन नहीं थी और हमने अर्ली एक्शन नहीं लिया उसके अंदर काफी टाइम निकल गया जब केसेस अंदर पेनिट्रेट कर गए ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके बाद में समझ में आया कि ओह इसकी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ये सब करना पड़ेगा फिर धीरे धीरे लोगों के एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ा है ना इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि हमने ना फाइन्स को एग्जॉर्बिटेंटली हाई कर दिया 2000 रुपए अगर मास्क नहीं पहना 2000 रुपीज चलान है ना जहां पर कैपिटा इनकम इतनी कम है पर कैपिटा इनकम तो खैर हमारी कम नहीं है लेकिन अगर आप डिस्पैरिटी देखेंगे तो आपकी बॉटम 10-20% की जो इनकम है वो बहुत कम है राइट उसके बाद हमें ऐसे मेजर्स जो है उसके अंदर लेने पड़े थे ड्रास्टिक हमने करना पड़ा था तो ये चीज आपको किस चीज में फैसिलिटेट करेगा अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ SARS-CoV-2 MERS-CoV-2 एंड न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस एक्सक्यूज मी द नेटवर्क विल एड्रेस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ कोरोना वायरस इट नेटवर्क की बात हो रही है बच्चे It currently comprises of 36 laboratories from 21 countries in all 6 WHO regions. एक बार अगर आप ऑनलाइन जाएं तो WHO के regions का क्या नाम है और कौन से 6 regions हैं, right? एक बार आप उसके बारे में जरूर पढ़िए, थोड़ा सा map wise भी देख लेना.
एटलीस्ट कहां कहां पे दो रीजन की बाउंड्री टच हो रही है और कौन सा पार्ट किस रीजन में आ रहा है, राइट right? ये सारी चीज आप देख लेना, क्योंकि यही चीजें जो आपको एग्जाम में जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है. कोविड 19 वॉज द फर्स्ट डिजीज एक्स एंड इट मे हैपन अगेन. द नेक्स्ट डिजीज एक्स रिप्रेजेंट्स एन अनआइडेंटिफाइबल वायरस दैट साइंटिस्ट वांट कुड बी 20 टाइम्स मोर लीथल, है ना. ये हमारा डर है ना, ये हमारी प्रेडिक्शन है और इसको मिटिगेट करने के लिए हमने जो है एक नेटवर्क जो है उसको बनाया है, राइट right? हाँ ये हो चुका है, आगे चलते. मुझे ये मैं प्री ट्रिविया बच्चे आपके लिए छोटा सा प्री ट्रिविया लेके आया हूं कि कोरोना वायरस डिजीज आपको पता होगा 2019 से कोविड 19 भी कहते हैं, इज अ नोवेल डिजीज कॉज्ड बाय, और ये क्या करता था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, हेंस जो आपका सार्स कोव 2 जो कोविड 19 का वायरस है उसका नाम है सार्स कोव 2. आई थिंक यूपीएससी किसी एग्जाम में आ भी चुका है ना, यूपीएससी पूछता है कि कोविड 19 के वायरस का एग्जैक्ट नेम क्या है, राइट. सो इट्स सार्स कोव 2. तो अगर यहां तक वो पहुंच गए तो वो किसी भी वक्त जो है वो आगे भी जा सकता है और आपसे फुल फॉर्म वगैरह पूछ सकता है, चाहे यूपीएससी ना पूछे स्टेट एग्जाम्स वाले पूछ सकते हैं. सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, इसको सार्स कहा जाता है ना. तो सार्स कोव 2 इज द वायरस विच कॉज्ड कोविड 19, है ना. कोरोना वायरस तो एक फैमिली ऑफ वायरस है, एवरी टाइप ऑफ कोरोना वायरस इज कोरोना वायरस ओनली. एग्जैक्टली कोरोना वायरस कौन सा, इट इज सार्स कोव 2, राइट. दूसरा है मर्स, इसको मर्स कोव के नाम से जाना जाता है. मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक नाम है, आप थोड़ा सोचने में प्रॉब्लम हो सकती है. मर्स के फुल फॉर्म है मर्स इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इज अ वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाय मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस दैट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन सऊदी अरेबिया इन 2012, ठीक है जी. ये मर्स कोव 2 की ये फुल फॉर्म है. और जूनोटिक ट्रांसमिशन बोलते हैं कि जब जो वायरस है दैट इज ट्रांसमिटेड, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल, इसको बोलते हैं जूनोटिक ट्रांसमिशन. और इन दोनों वायरस के अंदर ये चीजें पॉसिबल हैं, है ना, ये ज़ूनोटिक ट्रांसमिशंस फॉलो करते हैं. इसके अलावा आई हैव दिस WHO की कुछ मेन पॉइंट्स है बच्चे, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, रीड अबाउट दिस, राइट. हो सकता है इन पॉइंट्स में से कहीं ना कहीं आपके जो है एग्जाम के अंदर सवाल आ जाए. एंड दैट इज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. दिस 7-मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.